Hello my dear students, have a nice day for you. Today is the turn of English. Dear students, as our previous video, we already start our lesson number 3. Students, lesson 3 के अंदर हमने singular जो noun थे उनसे plural noun को बनाना सीखा था और उनमें students हमारे पास में जो rules थे उन rules को भी हमने follow किया था। एक बार फिर से उन रूल्स को हम रिवाइज करते हैं और साथ में ही आज कुछ एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर 3 था जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल हमने कन्वर्सेशन पढ़ा था। सिंगुलर नाउन से हमने प्लूरल नाउन को कन्वर्ट किया था। प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन के अंदर जो डिफरेंसेस थे उनको भी हमने पढ़ा था। सबसे पहला जो रूल नंबर 1 था जिसमें हमने एस को ऐड करके हम किस तरह सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर रहे थे ये हमने पढ़ा था। रूल नंबर 2 के अंदर हमने ई एस को ऐड किया और उसके अंदर हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया था। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम रूल नंबर 3 में इसमें भी हमने ई एस को ऐड करके इसके अंदर हमने सिंगुलर से प्लूरल को कन्वर्ट किया। लास्ट में रूल नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें एफ और एफ ई जिसके लास्ट में आ रहा था उसको हमने वी ई एस ऐड किया, उसको कन्वर्ट किया, वी ई एस के अंदर चेंज किया और सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया। 5 में हमने जहाँ जिस वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा था और उसके जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट आ रहा था उसमें हमने आई ई एस को ऐड करना सीखा। फिर हम बात करते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में वाई आ रहा है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, सॉरी वाउल्स आ रहे हैं, उनमें हमने एस को ऐड करना सीखा था। और इसी तरह से कुछ ऐसे भी हमने नाउंस देखे थे जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, उनके सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम होते हैं। और फिर रूल नंबर एट में हमने सिंगुलर से प्लूरल को जो चेंज किया उसमें हमने इररेगुलर मैनर्स जिसके अंदर हमने कुछ अदर एडिटिंग करके उसके अंदर हमने क्या किया था कि इररेगुलर जो मैनर्स थे उनको ऐड करके हमने सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया था। स्टूडेंट्स 9 और 10 वाले की बात करते हैं तो इनके अंदर हमने किया गया था जो पहले से ही अपने आप में प्लूरल फॉर्म होती है उनको हमने बात की थी और ऐसे नाउन्स जो पहले से ही हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में जो पर होते हैं उनको कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये रूल नंबर 1-10 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किए थे जिनको अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन के अंदर कन्वर्ट करना सीखा था। स्टूडेंट्स आज हम इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले ए में दे रखा है कन्वर्ट ईच ऑफ दिस सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले रखा है स्पाई के अंदर वाई दे रखा है। लास्ट में हमारे जो रूल्स है उसके अंदर दे रखा है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हैं तो हम उसे आई ई एस में चेंज करते हैं। तो स्पाई को हमने बनाया स्पाइस। फिर हमने देखा है नेक्स्ट ग्लास, ग्लास को हमने बनाया ग्लासेज। डे को हमने बनाया डेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना एक बार एक चीज़ नोटिस करने वाली है, दोनों में वाई है लास्ट में लेकिन यहाँ वाई से पहले सिर्फ कॉन्सोनेंट हैं तो हमने उसको आई ई एस में चेंज करके बनाया और यहाँ पर वाई से पहले क्या है वॉल्स है तो इसमें सिर्फ हमने एस को ऐड किया तो स्पाई बन गया स्पाइस में। और ग्लास ग्लासेज, डे डेज और फिर नोज। नोज यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ऐसा नाउन है जो अपने आप में ही प्लूरल है तो यहाँ पर नोज को हम नोज में ही रखेंगे। ये नाउन कभी भी चेंज नहीं होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हुए भी अपने आप का इंडिकेशंस देते हैं, नोज का कभी भी प्लूरल नाउन चेंज नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरीज में करेंगे, इनेमी को इनेमीज में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों सेम है, देखो वाई से पहले कॉन्सोनेंट वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो इनको हमने आई ई एस में चेंज किया। फिर ट्रॉली, इसमें भी वाई है लेकिन वाई से जस्ट पहले वॉल्स है तो वॉल्स होने की वजह से सिर्फ इसमें ऐड करेंगे एस तो ये बना ट्रॉलीज। पार्टी का पार्टीज, बॉक्स का बॉक्सेज किया हमने, विश का विशेज किया, डेजी करते हैं डेजी का डेजीजेज किया हमने और की का हमने कीज किया। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन ए जो कन्वर्ट ईच ऑफ दिस सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन इसको हमने कंप्लीट किया। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट ब्लैंक दे रखे हैं, उन ब्लैंक्स के साथ में ही सिंगुलर नाउन हमें एज ए हिंट में यहाँ दे रखे हैं जिनको हमें कंप्लीट फिल करना है इन फीलिंग्स के अंदर। फर्स्ट रखा है ऑल फैट, वर्क ड्राइव
अवे बाय द पीट पेपर। क्या कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माउस की बात की जा रही है। माउस का हमें क्या करना है, सिंगुलर से हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो माउस का प्लूरल क्या हुआ, माइस। इसी तरह से सेकंड वाले की बात करते हैं, नंबर टू में देयर वर मैनी इन द पार्क। क्या चाइल्ड, चाइल्ड को हमने किस में कन्वर्ट किया, चिल्ड्रन में। हीज हाइट इज वेरी, फिर इसने रखा है थ्री। क्या फिर रखा है नेक्स्ट फुट और इंचेस, तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हमें करना है फुट का प्लूरल, तो इसमें हमने लिखा फिट, और सेकंड वाला जो है उसमें हमें इंच का प्लूरल करना है जिसमें हमने लिखा इंचेस। नंबर फोर की हम बात करते हैं, ए गैगल ऑफ वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, इसमें रखा है गूज, गूज को हम करेंगे प्लूरल के अंदर तो बनेगा गीज। नेक्स्ट नंबर फाइव की बात करते हैं, आई हैव थ्री, थ्री फिर वापस ब्लैंक के अंदर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर जो हिंट हमें दे रखा है जिसका हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है चाइल्ड, तो चाइल्ड का हम वापस से क्या कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल चिल्ड्रन में। नंबर सिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, नंबर सिक्स में दे रखा है देयर आर फाइव ब्रैकेट में मैन, तो मैन का तो प्लूरल होगा वो क्या होगा, एम ई एन मैन, एंड फॉर वुमेन, तो वुमेन का हमने किया डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन, प्लेइंग टेनिस राइट नाउ। नंबर सेवन में चलते हैं स्टूडेंट्स, नंबर सेवन में आई पुट सम मेमो ऑन माई बुक बॉस डेस्क, तो मेमो क्या बनेगा, मेमोज, एम ई एम ओ ई एस मेमोज। सी सात थ्री, माउस का वापस से टर्न करेंगे माइस बनेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फर्स्ट टू एट जो ब्लैंक थे इन ब्लैंक में इनके जो हिंट ऑप्शन हमें दे रखे हैं उन हिंट ऑप्शन को यूज करते हुए हमने इनके जो प्लूरल फॉर्म्स हैं उनको हमने कंप्लीट फिल किया। स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर सी के अंदर हमें राइट टिक करना है, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है राइट प्लूरल फॉर्म उसका जो चिल्ड्रन होगा या चिल्ड्रंस होगा, तो जो राइट है उस पर हमने टिक किया कि जो चाइल्ड का जो प्लूरल राइट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, चिल्ड्रन होगा। इसी तरह से फुट, फुट का जो राइट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, राइट प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा, फुट्स होगा या फिट होगा, तो हमने टिक किया फिट इसका राइट फॉर्म होगा। नंबर थ्री की बात करते हैं, डियर, तो डियर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, कभी भी डियर्स नहीं होता, डियर का डियर ही होता है। तुत को हमने चेंज किया तो तुत्स नहीं होता, तिथ उसका प्लूरल फॉर्म होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, डिश का प्लूरल फॉर्म राइट प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा, डिशेज, और गूज का राइट रियल प्लूरल फॉर्म क्या होगा, गीज, शिप का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, शिप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट फिल किया है। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन ए बी और फिर क्वेश्चन नंबर सी को हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स आज आपका जो होमवर्क होगा उसमें आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में सबसे पहले क्वेश्चन ए प्रैक्टिस टाइम की इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए को कंप्लीट करना है, जिसमें हमें 12 जो नाउन हैं उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमें क्वेश्चन बी भी कंप्लीट करना है, जिसमें हमें एट ब्लैंक्स हैं और एट ब्लैंक्स में उनके जो हिंट्स दे रखे हैं उन हिंट्स को यूटिलाइज करते हुए उनकी प्लूरल फॉर्म्स को फिल करना है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में हमें जो राइट करेक्ट आंसर हैं प्लूरल फॉर्म जो राइट हैं उसे हमें राइट टिक करना है, और उसे भी हमें नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में हमारी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर डी ई इन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज की वीडियो में आपके पास में क्वेश्चन ए बी और सी जिसको आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करना है।